सब उसे पसंद करें, हर एक की जबान पे इस एल्बम की गजलें हो, ये मेरी दुआएं हैं, मेरी शुभकामनाएं। और बहुत बहुत मुबारकबाद मैं दीपक शंकर और उनके सारे साथियों को, वीडियो डायरेक्टर, कंपोजर सबको देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। दुआओं के साथ मैं गलत मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच। आउटस्टैंडिंग, ये जो एल्बम हुआ है कमाल का है। और रूप कुमार की वॉइस मुझे शुरू से पसंद है, लेकिन ये एल्बम में जो उसकी वॉइस में जो बेस और जो एक कशिश आई है कमाल है। और इन्होंने तो आउटस्टैंडिंग गाया है, मेरी इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मदन पाल ने बहुत अच्छा लिखा, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहब, क्या नाम उनका? रवि भटनागर। रवि भटनागर जी जिंदाबाद हो, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर ही अच्छी कंपोजिशन बनाएंगे तब ये गाएंगे, ये तो कहाँ से गाएंगे। तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। और ये मेरी छोटी बहन है और इसको मेरी बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू रितु जी, आप क्या कहना चाहेंगे, इतने सारे सिंगर्स आपको सपोर्ट करने पहुंचे हैं यहां पर, क्या कहना चाहेंगे, कितना सपोर्ट मिला है उनके यहां पहुंचने से? मैं इन लोगों ने तो मुझे आज ही नहीं, जब से मैं बॉम्बे आई तब से सपोर्ट किया है, घर बिल्कुल अपने घर जैसे रखा है, हर हर कदम पे मुझे मदद किया है। तो मुझे ऐसा कुछ नया नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा हक है और मुझे ये मालूम था ये आएंगे। हाँ, इनका हक है पूरा। क्यों नहीं आ पाते? कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा होता क्यों नहीं? नहीं, अगर ऐसा नहीं भी होता तो एक तेरे हाथ में माइक नहीं होता तो इंटरव्यू कैसे लेता है ना? तो सब है ना, हम तो सब रहेंगे। नहीं, एक जैसा जज्बा होता है, लेकिन एक सपोर्ट तो सबके पास हमेशा रहता है, अल्लाह ताला। और मैम, ऊपर वाला, ऊपर वाले का सबके साथ है और वही भेजता है अपने मैसेजर्स। सिंगिंग का दौर बदल चुका है, ऐसे में एक बार फिर से गजल आ रहा है, तो क्या लगता है कि आजकल की जो यूथ है वो इतना ही पसंद करेगी गजल? मुझे लगता है आज की यूथ ज्यादा अच्छी है और समझती है, बशर्ते हमें देना नहीं आता तो हम उन पर रख देते हैं। और अभी आप देखिए, इतनी फिल्में रिलीज हुई है, इतना म्यूजिक रिलीज हुआ है, मतलब अच्छा म्यूजिक ही जो ऑडियंस है, बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह, वो ही पसंद कर रहे हैं, और जो बेकार म्यूजिक है उसको साइड कर देते हैं। देखिए क्या होता है, दौर होता है, चेंज होता है, गजल फॉर्मेट आ ही रहा है रितु, सब अच्छे रोमांटिक गाने जो भी है, महेश भट्ट की पिक्चर में फॉर्मेट है, लेकिन प्योर गजल फिर नहीं मिल रही। देखिए जो चीज लुप्त हो गई उसको आप एकदम तो नहीं ला सकते ना, अब आएगा आपको धीरे धीरे, ऐसा आएगा कि वापस जाएगा। क्या मानती है, क्यों गजल? देखिए वजह ऐसा है, आपने आज जंक फूड खाया, कल आपका पेट खराब हो गया, फिर आपको डॉक्टर ने बोला बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, आप एक महीने तक नहीं खा सकते। मैम तो अब मैं बोलूँ, आपने एक महीने तक क्यों नहीं कर रहे हैं, आप दो दिन तो हो गई दवाई खाई, अब ले लीजिए जंक फूड। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर समाज में फैलती है, कहीं भी फैलती है ना, उसको उसके जो भी मतलब मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, हर किसी चीज़ को देखकर ही आपको आगे बढ़ना पड़ता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में आप दही अपनी हथेली में नहीं जमा सकते। कहीं ना कहीं गजल को बनाना पड़ रहा है, सुनाना पड़ रहा है, तो ये लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आज की जनरेशन के दिल से और दिमाग से गजल बिल्कुल डिलीट हो गई है, सुनना नहीं चाहती? ये हमारा संगीत भावना प्रधान है, मेलेडी प्रधान है और मेलेडी हमेशा रहती है, जिंदा रहेगी। और मैम अगर दो बोल सुना, मैं पहले दे चुकी हूँ इंटरव्यू, दो बार एक बार दे दूँ सारे खड़े हैं। आज नए रंग में ढल जाती है। थैंक यू।